हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं जी फोर्स, कुछ ऐसे एनिमल्स की कहानी जिनका सपना एक FBI एजेंट बनने का है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप एनिमे सीरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल IMAX सीरीज को चेक करना ना भूलें। तो मूवी शुरू होती है एक वेयर हाउस के सीन से, जहां हम FBI साइंटिस्ट बैन को देखते हैं। पता चलता है कि वो काफी टाइम से कुछ ऐसे एनिमल्स को ट्रेन कर रहा है जो खतरनाक मिशन को पूरा करने में FBI की हेल्प कर सकते हैं। वो इस टीम को जी फोर्स बुलाता है, जिसमें लीडर डार्विन के अलावा एक सुपर इंटेलिजेंट मोल स्पेकर्स, वेपन एक्सपर्ट ब्लास्टर, फाइटर वेरेस और एक मक्खी मूछ है। बेन डार्विन को बताता है कि कल FBI लीडर किप एनिमल ट्रेनिंग प्रोग्राम को बंद कराने आ रहा है, और इसे रोकने और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए उन्हें एक मिशन को पूरा करना होगा। इस मिशन में उन्हें सेबरलिंक कंपनी के CEO सेबर के मेंशन से कुछ डेटा चुराना है, क्योंकि FBI को शक है कि वो अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे चिप्स लगा रहा है जिनका यूज वेपन्स बनाने में होता है। सेबर ने इस प्रोग्राम को क्लस्टर स्टॉर्म का नाम दिया है, और अगर जी फोर्स वो डेटा ले आती है तो FBI उनकी रिसर्च को सपोर्ट करने के साथ साथ डार्विन और उसके दोस्तों को FBI एजेंट बना देगी। डार्विन भी उसकी बात समझ जाता है और अपनी टीम के साथ सेबर मेंशन में पहुंच जाता है। वो सब अपना अपना काम बांट लेते हैं, जहां मूछ पर लगे कैमरास की मदद से स्पेकल्स अंडरग्राउंड बिल से उन्हें गाइड करता है। डार्विन का काम अंदर जाके डेटा को डाउनलोड करने का है, और ब्लास्टर और वेरेस की जिम्मेदारी उसे सेफली बाहर निकालने की है। इधर सेबर सबको बताता है कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स में लगाए गए ये चिप दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लाने वाले हैं, और इससे लोगों की लाइफ और बेहतर हो जाएगी। वो बताता है कि अगले 48 घंटों में वो एक क्लस्टर स्टॉर्म प्रोग्राम को एक्टिवेट करने वाला है, जिससे घरों में यूज होने वाले सेबर लिंक प्रोडक्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और लोगों के सारे काम अपने आप होने लगेंगे। इधर डार्विन भी किसी तरह छुपता हुआ सेबर के बेडरूम तक आ जाता है और उसके कंप्यूटर से वो डेटा कॉपी करने लगता है। तभी सेबर वहाँ आ जाता है और उस फायरप्लेस को एक्टिवेट कर देता है जहाँ डार्विन छुपा हुआ था। ब्लास्टर और वेरेस किसी तरह उसे बचाकर वहाँ से निकाल लेते हैं, और बेन एक पेस्ट कंट्रोलर बनकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। वो जी फोर्स के काम से बहुत खुश होता है और अपनी असिस्टेंट मार्सी के साथ मिलकर किप के आने की तैयारी करता है। जल्दी ही किप अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और बेन से उसकी रिसर्च के बारे में पूछता है। बेन उसे दिखाता है कि कैसे यहाँ वो एनिमल्स और इंसेक्ट्स को उन कामों के लिए ट्रेन करता है जिसे नॉर्मल एजेंट करने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन किप इससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। तब बेन उसे अपनी बनाई एक डिवाइस दिखाता है जिससे वो इन एनिमल से बात कर सकता है। किप को ये देखकर बहुत हैरानी होती है, और तब बेन स्पेकल्स को सेबर का डेटा दिखाने को कहता है। स्पेकल्स प्रेजेंटेशन शुरू करता है, लेकिन वो देखते हैं कि ये तो बस एक नॉर्मल वीडियो है। डार्विन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो फाइल्स इसी ड्राइव में थी, लेकिन किप गुस्से में आकर उनकी रिसर्च को बंद कर देता है। अंदर जी फोर्स टीम देखती है कि किप के लोग उन्हें पकड़ने आ रहे हैं, और मार्सी उन सब की वहाँ से निकलने में मदद करती है। जाने से पहले डार्विन उसे बताता है कि बेन को एक बार फिर से ड्राइव को चेक करना होगा, क्योंकि उसने खुद वो डेटा उसमें डाउनलोड किया था। बाहर FBI के लोगों से बचने के लिए वो एक पिंजरे में घुस जाते हैं, जिसे एक पेट शॉप का ट्रक अपने साथ ले जाता है। किप को भी उनके भागने की खबर मिलती है, और वो अपने आदमियों से किसी भी तरह उन्हें वापस लाने को कहता है। पेट शॉप का ओनर उन्हें एक दूसरे पिंजरे में डाल देता है, जहां उनकी मुलाकात दो और एनिमल से होती है। पहला एक गोल्डन हैमस्टर बकी, जो थोड़ा सनकी और गुस्से वाला है, और दूसरा एक गिनी पिग हार्ली, जो हमेशा अपनी ही मस्ती में रहता है। डार्विन उन पर ध्यान दिए बिना वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, और वो एक दूसरे की मदद से पिंजरे के लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं। हार्ली को लगता है कि ये सब शायद सर्कस से आए हैं, लेकिन डार्विन उसे बताता है कि हम सब जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पेशल एनिमल हैं, जो FBI के लिए काम करते हैं। तभी वहाँ मूछ आती है, और डार्विन उसे तुरंत बेन तक अपनी लोकेशन पहुँचाने को कहता है, क्योंकि क्लस्टर स्टॉर्म लॉन्च होने में बस 29 घंटे बचे हैं। तभी वो एक फैमिली को आते हुए देखते हैं, और डार्विन प्लान बनाता है कि अगर ये हम में से किसी को अडॉप्ट कर ले तो यहाँ से बचकर निकलना आसान हो सकता है। वो सब उन्हें इम्प्रेस करने लगते हैं, जहाँ छोटी लड़की को वेरेस पसंद आती है और बड़ा लड़का हार्ली को चुनता है। हार्ली भी इससे बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वो लड़का उसे उठाकर एक सांप के पिंजरे में फेंक देता है। सबको लगता है कि अब वो मारा जाएगा, लेकिन पता चलता है कि हार्ली और सांप के बीच में एक दीवार है, और ये देखकर हार्ली चैन की सांस लेता है।
फिर वो लड़का ब्लास्टर को पसंद करता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ स्पेकल्स को एक आइडिया आता है और वो मरने की एक्टिंग करता है। वो डार्विन से कहता है कि जब ये लोग मुझे जमीन में दबाएंगे तो मैं निकलकर तुम्हारी हेल्प करने आऊंगा, लेकिन पेट शॉप वाले उसे उठाकर गार्बेज ट्रक में फेंक देते हैं और एक मशीन उसे क्रश करके मार डालती है। इधर मार्सी बहन को बताती है कि डार्विन को पूरा यकीन है कि ड्राइव में सही डेटा है और उन्हें किसी भी तरह उस ड्राइव को निकालना होगा। वो अपने एक ट्रेन किए हुए कॉकरोच को वेयरहाउस के अंदर भेजता है और वो अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर ड्राइव को बैन तक ले आता है। वो देखते हैं कि ड्राइव में डार्विन की बताई फाइल तो मौजूद है, लेकिन किसी ने उसमें एक वायरस डाल दिया है और वो तुरंत कंप्यूटर से उसे निकाल लेते हैं। उधर पेट शॉप में हार्ली डार्विन की बॉडी पर अपने जैसा एक निशान देखता है और कहता है कि शायद वो बिछड़े हुए भाई हैं, लेकिन डार्विन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी उन्हें बकी के घर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि उसने काफी सारे नट्स जमा किए हुए हैं। बकी उन्हें वहाँ से बाहर जाने को कहता है और तभी उसके घर के नीचे बना एक बैकडोर खुल जाता है। डार्विन हार्ली से अलविदा लेकर वहाँ से नीचे चला जाता है, लेकिन बकी गुस्से में हार्ली को भी धकेल देता है और कहता है कि अब वो अकेला ही इस पिंजरे का मालिक है। आगे एक सीन में हम सेबर को देखते हैं जो अपने किसी पार्टनर यांशु से बात कर रहा है जिसे उसने आज तक नहीं देखा है। पता चलता है कि क्लस्टर स्टॉर्म का सारा प्लान यांशु का ही था और वो सेबर के पैसों की मदद से अर्थ के आसपास की सभी सेबरलिंग सैटेलाइट्स को इकट्ठा कर रहा है। सेबर को भी ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन यांशु उसे बताता है कि इससे उनके बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है। उधर मूच बैन तक पहुंच जाती है और कीबोर्ड की मदद से उसे बताती है कि जी फोर्स टीम एक पेट शॉप में बंद है। बैन भी मार्सी के साथ उन्हें छुड़ाने जाता है, लेकिन देखता है कि वो सब वहां से जा चुके हैं। आगे हम वेरेस और ब्लास्टर को देखते हैं जहां वो लड़की वेरेस का मेकअप करने में लगी हुई है और लड़का ब्लास्टर के साथ खतरनाक गेम्स खेल रहा है। यहां वो दोनों मिलकर उन बच्चों को अच्छा सबक सिखाते हैं और एक टॉय कार लेकर वहां से बच निकलते हैं। इधर डार्विन और हार्ली को भी काफी खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उन सबसे बचते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बाहर आते हैं। वहाँ डार्विन की नज़र कॉफी मेकर के एक ऐसे मॉडल पर पड़ती है जो सेबर की प्रेजेंटेशन में भी था और वो उसे चेक करने जाता है। वो उसके अंदर लगी चिप को देखता है और पता चलता है कि ये असल में एक वेपन सिस्टम चिप है जिसे आर्मी अपने वेपन्स में यूज करती है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कॉफी मेकर एक रोबोट में बदल कर उन पर हमला करने लगता है। डार्विन चिप लेने के लिए उससे लड़ने का फैसला करता है और बड़ी चालाकी से एक गाड़ी के नीचे उसे कुचलवा देता है। फिर वो एक स्केटबोर्ड की मदद से उसे लेकर बैन के घर आते हैं और देखते हैं कि ब्लास्टर और वेरेस भी वहां पहुंच गए हैं। बैन को स्पेकल्स की मौत का पता चलता है और उसे लगता है कि ये सब उसी की गलती है। वो डार्विन और उसके दोस्तों को सच बताता है कि वो कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल नहीं है, बल्कि बाकी एनिमल्स के जैसे नॉर्मल है। ये सुनकर डार्विन उदास हो जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि वो एक स्पेशल एनिमल है। तब हार्ली उसे समझाता है कि जो काम तुम लोग करते हो वो किसी आम एनिमल के बस की बात नहीं है, जैसे रोबोट से लड़ना, कंप्यूटर से डेटा चुराना और एक स्पेशल एजेंट बनने की इच्छा रखना। उसकी बातें सुनकर डार्विन का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो बैन को उस चिप के बारे में बताता है। वो समझ जाते हैं कि सेबर चिप की मदद से अपने प्रोडक्ट्स को किलिंग मशीन में बदलने वाला है और देखते हैं कि उसे रोकने के लिए उनके पास 30 मिनट का वक्त है। बैन उसे ड्राइव के अंदर लगे हुए वायरस के बारे में बताता है और ये सुनकर हार्ली आइडिया देता है कि क्यों ना इसी वायरस को सेबर के मेन कंप्यूटर में लगा दिया जाए। बैन उन्हें अपनी बनाई एक मशीन दिखाता है जिसके थ्रू वो सेबर मेंशन तक पहुंच सकते हैं और डार्विन अपनी टीम को मिशन के लिए तैयार करता है। तभी FBI के कुछ लोग बैन के घर आते हैं और जी फोर्स अपनी नई गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलती है। वो चारों उनसे बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि FBI उन्हें कुचलने की कोशिश कर रही है। ये देखकर वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहां डार्विन गाड़ी में लगे कुछ टूल्स की मदद से FBI के गाड़ी को क्रैश करा देता है। बाकी एजेंट से पीछा छुड़ाने के लिए वो एक ऐसे ग्राउंड में आते हैं जहां फायरवर्क स्टार्ट होने वाला है और अपनी स्किल और फायरवर्क की मदद से उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं।
पब्लिक ये देखकर बहुत खुश होती है और FBI एजेंट्स को यकीन नहीं होता कि छोटे से एनिमल्स उन्हें बेवकूफ बना गए हैं। जल्दी ही वो सेबर मेंशन में पहुंच जाते हैं और हार्ली को बाहर नजर रखने को कहकर वायरस को अपलोड करने जाते हैं। भूखा होने के कारण हार्ली कुछ खाना ढूंढने जाता है और एक पेस्ट्री के लालच में आकर एक ओवन में बंद हो जाता है। तभी सेबर क्लस्टर स्ट्रॉम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे दुनिया भर में फैले उसके प्रोडक्ट्स आपस में जुड़कर रोबोट बनने लगते हैं। जल्दी ही न्यूज में इन रोबोट्स की खबरें आने लगती हैं और FBI तुरंत अपनी टीम को सेबर मेंशन में भेजती है। सेबर को भी शायद इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी और वो FBI से खुद को बचाने को कहता है। इधर एक रोबोट डार्विन और उसकी टीम के पास आता है और वो देखते हैं कि हार्ली उसमें फंसा हुआ है। रोबोट उन पर हमला करता है और वो उसे केबल से बांधकर रोकने की कोशिश करते हैं। डार्विन किसी तरह ओवन तक पहुंच जाता है और हार्ली को बचाकर बाहर ले आता है। फिर वो रोबोट को मेन कंप्यूटर के पास लगे एक ट्रैप की तरफ धकेलता है और एक बॉम्ब के फटने से वो नष्ट हो जाता है। धमाके से उड़ता हुआ डार्विन एक वेंट में फंस जाता है और बाकी सबको बाहर जाने को कहकर मूंछ के साथ उस वायरस को अपलोड करने जाता है। इधर सेबर कीप को बताता है कि उसे इन सब का कोई आइडिया नहीं था और वो तो बस और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था। तभी मार्सी के साथ बेन भी वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि जी फोर्स इस वक्त इस तबाही को रोकने में लगी हुई है। फिर वो डार्विन को स्क्रीन पर देखते हैं, जो किसी तरह कंप्यूटर के कोर तक पहुंच जाता है। वहाँ उसका सामना स्पेकल से होता है और पता चलता है कि वो ही असल में जानशु है, जिसने सेबर को बेवकूफ बनाकर ये सारा प्लान बनाया था। सब लोग उसे जिंदा देखकर बहुत हैरान होते हैं और सेबर को भी शॉक लगता है कि उसका बिजनेस पार्टनर एक मोल था। स्पेकल्स उन्हें बताता है कि वो रोबोट्स की आर्मी से एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा जिससे अर्थ के ऊपर मंडराती सैटेलाइट्स नीचे गिरने लगेंगी और दुनिया का अंत हो जाएगा। डार्विन उसे इसका कारण पूछता है और तब स्पेकल्स बताता है कि कैसे इंसान बाकी एनिमल्स को तो प्यार करते हैं, लेकिन मोल्स को कोई पसंद नहीं करता। उसकी फैमिली को मारने वाले भी कुछ इंसान ही थे और मरते हुए उसके डैड ने उसे इस सब का बदला लेने को कहा था। ये कहकर वो एक बटन दबाता है और सेबर मेंशन के बेसमेंट से एक बहुत बड़ा रोबोट बाहर निकलता है। फिर वो अपनी पावर से सैटेलाइट के टुकड़ों को खींचना शुरू करता है, जिससे वहाँ तबाही मचने लगती है। डार्विन उसे रोकने आगे बढ़ता है, लेकिन एक रोबोट के हमले से वो नीचे गिर जाता है और वायरस वाली ड्राइव उसके हाथ से छूट जाती है। हार्ली किसी तरह उसे पकड़ लेता है और उसे वापस ऊपर भेजने के लिए रस्सी को बांधकर नीचे कूद जाता है। ब्लास्टर हार्ली को बचाने उसके पीछे जाता है और उधर स्पेकल्स एजेंट से भरी हुई उस वैन को उठा लेता है, जिसमें बेन भी है। डार्विन उसे समझाता है कि वो सब भी उसकी एक फैमिली है और उसे इंसानों जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। फिर वो उसे बेन के बारे में बताता है, जिसने उनका हमेशा साथ दिया है, और ये देखकर स्पेकल्स को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तुरंत रोबोट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और कंप्यूटर खुद को लॉक कर लेता है। तभी मूछ वो वायरस ड्राइव लेकर आती है और डार्विन छोटे रोबोट से बचता हुआ उसे मेन कोर में अटैच कर देता है। वायरस के ट्रांसफर होते ही रोबोट टूटने लगता है और वायरस उन दोनों को बचाकर नीचे ले आती है। जल्दी ही रोबोट टूटकर नष्ट हो जाता है और बेन और बाकी एजेंट सेफली बाहर आ जाते हैं। किप सेबर को अरेस्ट करने को कहता है और डार्विन देखता है कि हार्ली में कोई मूवमेंट नहीं है। स्पेकल सबसे माफी मांगता है और डार्विन कहता है कि वो हार्ली को सच में अपना भाई मानने लगा था। तभी हार्ली की आंख खुल जाती है और डार्विन की बात सुनकर वो उसे गले लगा लेता है। आगे हम देखते हैं कि FBI डायरेक्टर ने सेबर से सभी प्रोडक्ट्स को वापस लेने को बोला है, जहां स्पेकल्स चिप को निकालने में उनकी मदद करेगा। किप को भी साउथ पोल में ट्रांसफर कर दिया गया है और उन सभी को FBI में एजेंट बना दिया गया है। एंड सीन में बेन उन सबको FBI बैजेस देता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।